लगता है सुबह फ्रेश नहीं हुई। छी। क्या फंस गया मेरे कान में? छी। क्या है, तू नहीं करती क्या? करती हूँ पर तेरी तरह नहीं, नहाते टाइम करती हूँ। चल चल, अपने बाप को मत सिखा। हम में से कई लोग ना इसी की तरह सोचते हैं और हरकतें भी करते हैं, मतलब कान खुजाना, नाक में उंगली करना, ब्रश करने के बाद भी मुंह से स्मेल आती है और नाखून तो गंदे रहते हैं बहुत बार। बट यही सारी चीजें ना आपकी पर्सनैलिटी शो करते हैं। अब आप मान लो कि आप किसी से मिलने गए हो और उसने कान खुजाए या नाक में उंगली की, तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा, इम्प्रेशन बुरा आता है यार। तो आज का वीडियो हम इसी टॉपिक को कवर करते हुए लाए कि कैसे छोटी छोटी पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड चीजें आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाती हैं। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर चलो वीडियो शुरू करते हैं। कुछ लोग अपने मुंह, हाथ, पैर को चमकाने में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपने नाक और कान को तो भूल ही जाते हैं। फिर पूरे दिन कभी नाक में उंगली, कान में उंगली, इधर खुजली उधर खुजली, यही करते रहते हैं, जिससे हमारी पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा खराब दिखती है। तो इन सब चीजों को सुधारने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस नहाते टाइम अपने गीले टॉवल से अपने कान को अच्छे से अंदर से भी साफ करना है और मेक श्योर कि आप अपने कानों को बैक साइड से भी अच्छे से साफ करें, क्योंकि हम में से बहुत से लोग उनको साफ करना भूल जाते हैं और फिर वहाँ पे गंदगी जमा हो जाती है। हमें नहाते टाइम डेली अपनी नोज तो क्लीन करनी ही चाहिए, पर उसके साथ साथ अपनी नोज के हेयर ट्रिम भी करने चाहिए हफ्ते में एक बार। ओके, लेट्स गो ऑन अ डेट टुडे। यू, मेरी नेवल कितनी गंदी हो रही है। छोड़ो, उसे कौन देख रहा है, मैं तो प्रिटी हूँ ना। मैं तो चली गई, बट आप मेरी तरह ये गलती बिल्कुल मत करना और अपनी नाभि को हमेशा टॉवल से साफ करना, वो भी रोज नहाते टाइम, जिससे कि मेरी तरह आपकी नाभि ऐसे काली ना दिखे। और हाँ, आप ऐसे क्यू टिप में ऑयल लगा के भी अपनी नाभि को साफ कर सकते हैं। गर्मी हो रही है, कहाँ रह गई है? हाय गाइस, कैसे हो? यार इसके मुंह से कितनी गंदी बदबू आ रही है, इसको बोलना चुप हो जाएगी। एक सेकंड, एक तो तू लेट आई है, ऊपर से बकर करने लगी है। बस एक मिनट, मुंह बंद करके चल। हाँ चलो 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 चलो। कैसे? ब्रश तो हम सभी करते हैं, पर कई बार हम टंग क्लीनिंग नहीं करते, जिसकी वजह से टेस्ट बड्स खराब हो सकते हैं। तो जब भी आप ब्रश करो तो मेक श्योर कि आप टंग भी क्लीन किया करो साथ में। और आपके पास टंग क्लीनर नहीं है ना, तो ब्रश के बैक में भी टंग क्लीन करने के लिए दिया होता है, आप उससे भी कर सकते हो। और अगर वो भी नहीं है तो आप ब्रश के ब्रिसल से भी कर सकते हो, नहीं तो इस तरह से स्पून से भी इजिली आप टंग क्लीन कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि आप दिन में दो बार ब्रश किया करो, एक सुबह और एक रात को डिनर के बाद। यार देख इसके नेल्स कितने गंदे हैं। छी छी, वोमिटिंग आ रही है मुझे तो। ओ इसके नेल देख, कितनी गंदगी है इसके नेल में। यम, मजा आ गया, कितना टेस्टी था खाना। तो टेस्टी था, पर आप ये हरकत बिल्कुल मत करना जो मैंने किया है। मेक श्योर कि अपने नेल्स को क्लीन रखा करो और थोड़ा सा शैम्पू लेके उसे इस तरह से लगा लो, और सिर्फ खाली पानी से मत धोना, इस तरह से ब्रश लेके उसे अच्छे से रब किया करो, इससे सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। और हाँ, जीतू के पास नेल ब्रश नहीं था इसलिए वो टूथब्रश से साफ कर रही है। अगर आपके पास नेल ब्रश है तो आप उसी से साफ करो। यार मेरी फर्स्ट डेट है। यार ये ऐसे मुझे घूर क्यों रही है? नहाके भी अच्छे से आया हूँ यार, कपड़े भी मैंने अच्छे पहने हैं। कपड़े तो इतने अच्छे पहन के आया, यूं नहीं कि अपनी आंखों की कीचड़ ही साफ कर ले। गंदी। अरे यार अभी तो हम आए हैं। अब जैसा इस बेचारे के साथ हुआ है वैसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप अपना फेस टाइम टू टाइम चेक करते रहें, क्योंकि सामने वाले बंदे को तो पता होता है कि हमारे फेस पे क्या लगा है लेकिन हमें नहीं दिखता।
और हाँ, सुबह नहाते टाइम अपनी आँख, मुंह और नाक को बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके जाएं, ताकि दूसरे लोगों के सामने आपको शर्म महसूस ना हो। लग रहा है पीरियड्स हो गए, अभी तो डेट भी नहीं आई मेरी। चल चल के देख लेती हूँ एक बार। अरे इसको क्या हुआ, चल के पूछती हूँ। क्या हुआ? अरे वो वाइट डिस्चार्ज था, मुझे लगा शायद पीरियड्स हो गया। तो तू पेंटी लाइनर यूज कर ना, वो तो पीरियड्स में करते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है, जब तू पेंटी लाइनर यूज करती है ना तो एडोर फ्री रहती है और काम करने में भी एकदम फ्री फील करती है। ठीक है, आगे से वही यूज करूंगी। हम में से कई लोग प्राइवेट एरिया के हेयर को क्लीन नहीं रखते, जिसकी वजह से स्मेल होने की या फिर इचिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब वहाँ पे बाल होगा तो मॉइस्चर ज्यादा आता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाता है, विच कैन लीड टू वजाइनल इन्फेक्शन। और अगर पीरियड्स हो रहे हैं ना, तब तो आप हेयर को क्लीन रखो ही रखो, जिसकी वजह से आप भी क्लीन फील करोगे। और कई लोग नहाने के बाद इतनी जल्दी में रहते हैं कि 5 मिनट वेट भी नहीं करते और सीधे जल्दबाजी में कपड़े पहन लेते हैं, बट हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इचिंग हो जाती है, तो इसीलिए मेक श्योर कि आप नहाने के बाद 5 मिनट वेट करो और उसके बाद अपनी बॉडी को सुखाने के बाद ही कपड़े पहनो। आज तो जम के पड़ूंगी। कितना थक गई यार। आराम से अब जूते उतार लेती हूँ, मस्त बैठूंगी। कितना आराम मिला यार जूते उतार के। कितनी गंदी स्मेल है। अब हमारे पैरों में से स्मेल आती क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हमारे पैरों में मॉइस्चर जमा हो जाता है, और ये जो बीच का एरिया होता है इसे तो हम साफ ही नहीं करते। तो इसीलिए आप जब भी नहाओ तो अपने पैरों को अच्छे से क्लीन कर लो, और इस बीच के स्पेस को तो क्लीन करना बिल्कुल मत भूलना। अब हमें अपने पैरों को अच्छे से क्लीन करना चाहिए, और ये उंगलियों के बीच का जो स्पेस होता है ना, इसे तो बिल्कुल मत भूलो, इसे भी अच्छे से क्लीन करो। और अपने पैरों को पोंछते टाइम ना, इस बीच वाले हिस्से को तो अच्छे से ड्राई करो, क्योंकि सबसे ज्यादा मॉइस्चर यहीं पे जमा होता है और वो वाइट वाइट सी पपड़ी जमा हो जाती है, जिससे स्मेल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ड्राई करने के बाद इस तरह से अपने पैरों में पाउडर लगा लो, जिससे मॉइस्चर कम आए। ये तो थी कुछ हमारी तरफ से पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड टिप्स। अगर हम कुछ भूल गए हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और इन सारे टिप्स को फॉलो करो और अपनी पर्सनालिटी अच्छी बनाओ। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ढेर सारे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।